सब्सक्राइब कीजिए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि अपना नेम कैसे चेंज करें, आईडी नेम कहाँ से हासिल करें, कैसे हासिल करें और रीनेम कार्ड को किस तरह ख़रीदना है। मैंने सब पहले एक वीडियो बता चुका हूँ और मैं उसमें एक चीज़ बताना रह गई थी मुझसे, तो मैं इस वीडियो में उसे बता रहा हूँ। और अगर आपने जो मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसे ओपन करके देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन भी दबा दो और वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत बोलो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको नाम चेंज करना है तो आपके पास होनी चाहिए इस तरह की रीनेम कार्ड, इसे कहते हैं रीनेम कार्ड। इस रीनेम कार्ड से आप हर 60 दिन में आप नेम चेंज कर सकते हो। दोस्तों, जब आप इस गेम को इंस्टॉल कर लेते हो और आप जब खेलने लग जाते हो तो आपको पहले तो एक जब आपका जो रियल नेम होता है, जो भी आईडी से आप लॉग इन करोगे इसके अंदर, फेसबुक से बोलो या फिर जीमेल से बोलो, आपका जो भी नाम होगा पहले उस नाम से आएगा। और उसके बाद आप जब आगे गेम खेलोगे तो उसमें आपको एक पहले रीनेम कार्ड मिलेगा, फिर उसके बाद और 9th लेवल तक जब आप खेलोगे तो उसका सेकंड वाला जो रीनेम कार्ड होता है, लास्ट रीनेम कार्ड होता है, वो रीनेम कार्ड आपको मिलता है। उसके बाद आपको कोई रीनेम कार्ड नहीं मिलता यहाँ से, खेलने के बाद भी आप कितना भी खेलो। फिर अगर आपको फिर भी उसके बाद भी अगर चेंज करना है, रीनेम कार्ड हासिल करना है, तो आपको पैसे देकर ख़रीदने पड़ते हैं। यार, नेम चेंज नहीं, और हमसे गलती से नेम गलत डाल दिया गया, ऐसा वैसा जो भी है आपकी प्रॉब्लम। तो अगर आपको लेना है तो अगर आपने तीनों रीनेम कार्ड यूज़ कर लिया तो आपको सबसे पहले आना होगा यहाँ पर शॉप में आना है। अगर पैसे से ख़रीदना है तो शॉप में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है। देखो, यहाँ पर दे रहा है आईडी नीचे, ये देखो, ये 180 UC, 180 UC बोले तो कुछ 250 रुपये के करीब होगा। तो हम चले इसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पर बता रहे 180 UC। अब हमें यहाँ से परचेस पे जाना है। तो अगर आप को यूसी यहाँ पर आपकी नहीं है, जैसा मेरी तो अभी 70 UC अंदर है मेरे अकाउंट में, अगर आपकी नहीं है तो आप यहाँ से यूसी अपने पहले आपको डालना पड़ेगा अपने पबजी के अकाउंट में, और वो प्ले स्टोर से आएंगे दोस्तों। तो मुझे तो नहीं डालना है, अगर आपको डालना है तो सिंपली आपको यहाँ से 180 UC मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको 200 490 रुपीज़, मतलब 250 रुपये ये। तो यहाँ से आपको सिंपली इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखो दोस्तों, मैं डायरेक्ट आ गया हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले भी बाय कर लिया है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर बता रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पर आओगे, उसके बाद आपको सिर्फ आपकी बैंक की डिटेल डालनी होगी, आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होगा तो उसकी डिटेल डालनी होगी, या फिर आप नेट बैंकिंग से भी परचेस कर सकते हो। तो सिंपल प्रोसेस है, अगर आपने कभी किए नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो आजकल सभी यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही सिंपली आपको नंबर वगैरह डालना होगा और फिर एक OTP आएगा और उस OTP को आपको वहाँ पर फिल करना होगा, उसके बाद कंफर्म करना होगा, तो वो सिंपली आपका जो UC है इधर पबजी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा प्ले स्टोर के थ्रू। उसके बाद आपको सिंपली शॉप में जाना है। शॉप में ओपन करने के बाद आपको ऑर्डर पे आना है, ऑर्डर्स पे, उसके बाद नीचे आना है और यहाँ से आपको 180 जो UC है वहाँ से आपको सिंपली यहाँ से परचेस कर लेना है, 2 सेकंड में परचेस हो जाएगा। उसके बाद परचेस होने के बाद आपको इन्वेंट्री में आना है, इन्वेंट्री में लास्ट बॉक्स में आना है, उसके बाद सिंपली यूज़ पे आना है, और यूज़ पे आने के बाद आपको अपना नाम टाइप करना है और ओके कर देना है, इतना सिंपल है। और दोस्तों, अगर आपको 250 रुपये खर्चा नहीं करने हैं, आपने तीनों रीनेम कार्ड यूज़ भी कर लिए और फिर भी आपको नाम अपना चेंज करना है, तो फिर सीधी और सिंपल सी बात है, अपनी डायरेक्ट आईडी चेंज कर दो। आप जो अकाउंट से लॉगिन हुए हो तो आप दूसरा जो आपका फेसबुक अकाउंट होगा उससे हो जाओ, नहीं है तो बना लो और फिर उससे आप सिंपली लॉगिन हो जाओ। और मैं तो सिंपली बोलता हूँ यार, ज़्यादा आप नेम चेंज करें ना, कोई फ़ायदा नहीं उससे, जो एक बार रख लिए रख लिए। तो
लास्ट में यही है दोस्तों कि शॉप पर आके आप एक बार यहाँ पर देख लो, अगर आपने यहाँ से इसे नहीं ओपन किया तो यहाँ से ओपन करके देख लो। और जो दूसरा एक ये यहाँ पर हाथों से सिंपली आपको यहाँ पर आना है, उसके बाद इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर आना है प्रोग्रेस मिशन में। अगर आपने अभी तक सिर्फ एक ही रिनेम कार्ड हासिल किया है, उसके बाद आपको रिनेम कार्ड नहीं मिला, आपने हासिल उसे मतलब यहाँ से निकाला नहीं है, तो सिंपली आपको निकालना कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो मेरी लेवल चालू है दोस्तों वो है 42 लेवल चालू है, मतलब कंप्लीट हो चुकी है और आप 43 स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको सिंपली जाना, इधर आना है प्रोग्रेस मिशन में। आने के बाद आपको लेवल 10 के अंदर लेवल 9 में आना है। लेवल 9 में जब आओगे ना तो आपको यहाँ से कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद मैंने तो कलेक्ट कर लिया है, मतलब मैंने यूज़ कर लिया है उसे, तो इसलिए मेरा कलेक्ट नहीं दे रहा है। आपको यहाँ से कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद सीधे सीधे जो आपकी आईडी कार्ड है, ये रीनेम कार्ड, वो वहाँ पर इन्वेंट्री में आ जाएंगी। अगर आपने कलेक्ट कर लिया तो नहीं आएंगी, जिस तरह से मेरा हो रहा है। और अगर आपने ये वाली भी कलेक्ट कर ली है तो एक और एक मिलती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक लेवल 10 में मिलती है और लेवल 2 में भी शायद मेरे को मिली थी, पर अभी नहीं बता रहे, बट पता नहीं क्यों। हाँ देखो दोस्तों, बता रहे हैं यहाँ पर, ये लेवल 3 जो है ना, तो लेवल 3 में मुझे मिली थी और इसे ही मैंने कलेक्ट कर लिया है। देखो यहाँ पर दे रहा है नीनेम कार्ड। तो अगर आपने यहाँ से कलेक्ट नहीं किया तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। तो ये 2 रीनेम कार्ड हो गए दोस्तों। तो यहाँ से 2 मिलती है और एक जो मिलती है वो है क्लाइंट में से, ये फ्री होती है। ये तीनों फ्री होती है और अगर आपने तीनों यूज़ कर ली है तो फिर आपको तो परचेस करना ही पड़ेगा। अगर आपको नाम अगर चेंज करना है, यानी तो फिर वही रहने दो आपका नाम। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैं इसी अच्छी अच्छी वीडियो जो कि आपके काम की ऐसी वीडियोस में लाता रहूँगा आगे भी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ यार, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन भी दबा दो। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दो इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। थैंक यू।